हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट में। आज बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के ऊपर। यहाँ पे बड़ी खबरें निकल करके आ रही है फंड राइजिंग को लेकर के। खुद यहाँ पे मैनेजमेंट ने बैंकों को पूरी गारंटी दी है और फंड राइजिंग की डेडलाइन भी यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश करी है। तो इस खबर के बारे में पूरा जानेंगे और साथ ही साथ दूसरी भी खबर है, तो दोनों के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहें। सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि वोडाफोन डे की सिचुएशन कैसी रही थी। 8 पे 40 पैसे पे क्लोजिंग, 5 पैसे ऊपर 0.6% की तेजी के साथ यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो सबसे पहले खबर जो थी उसके ऊपर ही आपको मैं लेके जाना चाहूंगा और खबर को थोड़ा विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा। टेलीकॉम.com की वेबसाइट पे ये खबर निकल करके आ रही है, कैन राइज 1 बिलियन बाय जून, वोडाफोन आइडिया टेल्स लेंडर। तो दोस्तों, लेंडर मतलब कि यहाँ पे जो बैंकों ने उनको लोन दे करके रखी है यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी समय से वोडाफोन आइडिया फंड राइजिंग करने की कोशिश कर रहा है परंतु फंड राइजिंग कर नहीं पा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने, यहाँ पे रविंदर ठक्कर जी ने खुद बोला है कि जून एंड तक हम यहाँ पे $1 बिलियन फंड राइज करेंगे, मतलब कि 6 से 7 हज़ार करोड़ फंड राइज कर लेंगे। और आपको यहाँ पे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी ड्यू यहाँ पे हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, जो भी पेमेंट होगा वो ऑन द टाइम करेंगे। तो सब यहाँ पे बताया है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि $1 बिलियन मतलब कि जैसे उन्होंने बताया 6 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास का फंड राइजिंग हम यहाँ पे जून एंड तक कर लेंगे, ऐसा यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने लेंडर्स को बताया है, जो लोकल लेंडर्स हैं उसको बताया है। हाल फिलहाल में भी बात करें तो दोस्तों, रिसेंटली यहाँ पे जो बैंक गारंटी थी उसको एक्सटेंड किया, जो कि 1420 करोड़ के आसपास की थी, उसको एक्सटेंड करने के पीछे वजह यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो 4G के स्पेक्ट्रम उसने एक्वायर करे 1993 करोड़ के, आपको पता होगा, जिसमें से 574 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए थे, परंतु बाकी की रकम है वो अभी पे करनी बाकी, जिसके चलते बैंक गारंटी को जो कि 1420 करोड़ की थी उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। हालांकि बात करें फंड राइजिंग की, तो 25 हज़ार करोड़ रुपए का फंड राइजिंग का प्लान था, ऑक्टेल कंजोर्टियम के द्वारा यहाँ पे फंड राइजिंग करा जा रहा था। यहाँ पे जो दिग्गज इन्वेस्टर थे उसमें भी उन्होंने पार्टनरशिप करी थी, पर तो कहीं ना कहीं बाइंडिंग प्रोसेस को लेकर के यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, यहाँ पे कुछ जमा नहीं, जिसके चलते यहाँ पे जो ओक हिल लीड कंजोर्टियम था उसका यहाँ पे फंड राइजिंग का प्लान कैंसिल हो चुका था। उसके बाद ये भी बातें कर रही जा रही थी कि आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन PLC वो दोनों यहाँ पे इसके अंदर फंड इंफ्यूजन करें, और जो कि दोनों प्रमोटर कंपनी हैं, परंतु वो भी अभी नहीं कर पा रही है क्योंकि वो भी अलग मसले में फंसी हुई है। तभी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि अभी वोडाफोन आइडिया ने अभी जो बताया है डेडलाइन, वो आपके सामने मैं और बताने की कोशिश करूंगा। आपको पता ना हो तो बता दूं किन किन ने वोडाफोन आइडिया को लोन दे के रखे, इसमें से जो बड़े नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HDFC बैंक। तो ये सभी बैंक हैं जिन्होंने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लोन दे करके रखे है, परंतु वोडाफोन आइडिया ने जैसे मैंने बताया कि एश्योरेंस दिया है कि आपके जो पेमेंट में हम डिफॉल्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ऑन टाइम पेमेंट करेंगे, बल्कि जून एंड तक हमारी फंड राइजिंग हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे किन्होंने बोला है। यहाँ पे जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं रविंदर ठक्कर, वो ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हाल फिलहाल में बात करें तो अप्रैल में भी उन्होंने बोला था कि अप्रैल एंड तक फंड राइजिंग करेंगे, अभी उसको जून तक धकेला गया है। तो कहीं ना कहीं इश्यू तो है दोस्तों कि फंड राइजिंग वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक्सपर्टों का भी ऐसा मानना है कि जिस तरह की स्ट्रेस वाली सिचुएशन वोडाफोन आइडिया की बनी हुई है, तो फंड राइजिंग में दिक्कतें तो आने ही वाली है। बार हम दूसरी न्यूज़ पे जाएंगे और यहाँ पे दूसरी न्यूज़ आपके सामने, यहाँ पे जो एक और रिपोर्ट निकल कर के आ रही है उसमें ऐसा बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया को अगर सर्वाइव करना है, अगर आप यहाँ पे टैरिफ हाइक नहीं करनी है, फंड राइजिंग में भी इश्यू है, तो उनको अभी ऐसा ट्राई करना चाहिए कि 2G 3G सब्सक्राइबर है उनको जल्दी से जल्दी वो 4G में कन्वर्ट करें, ताकि यहाँ पे 4G में जैसे ही वो आएंगे उनकी कंजप्शन की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी, इसके चलते कहीं ना कहीं रेवेन्यू में जम पाएगा। तो ये दो यहाँ पे सिचुएशन है वोडाफोन आइडिया के पास। अभी देखने वाली बात ये होगी कि वो 2G 3G कस्टमरों को यहाँ पे अट्रैक्ट करके 4G में कन्वर्ट करने की ट्राई करती है, पर कामयाब कितना रहता है वो भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, अभी जो मुसीबत है वो थमने का नाम नहीं ले रही, कहीं ना कहीं फंड राइजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु हाल फिलहाल में भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, उसकी डेडलाइन और आगे एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी जून एंड तक, जैसे कि यहाँ पे उनके MD और CEO ने ही बताया है कि
फंड राइजिंग हो जाएगी तो होती है कि नहीं, हालांकि उन्होंने बैंक को पूरी तरह से गारंटी दी है। तो ये बड़ी खबर थी दोनों, जिस जो कि वोडाफोन आइडिया की शेयर प्राइस में काम करती हुई नजर आई और कल भी एक खबरें इन शेयर प्राइस पे असर करती हुई दिखाई देगी। सीधा हम चार्ट पे जाएंगे और कल के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए वो बताने की कोशिश करूंगा। अभी कल आपको 8 रुपये 50 पैसे का लेवल ध्यान में रखना है और नीचे 8 रुपये 30 पैसे का। यहाँ पे 8 रुपये 30 पैसे के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है आपको बाइंग करनी चाहिए। पहला टारगेट 8.50, उसके ऊपर 8.70 रखना चाहिए। अगर ये टारगेट मिल जाते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे इंट्राडे में बेनिफिट हो सकता है। हालांकि 8.70 रुपये के ऊपर भी निकल गया, सस्टेन हुआ तो 9 रुपये के भी लेवल आएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि 9 रुपये के लेवल कल हमें दिखाई देंगे। हाल फिलहाल में तो 8 रुपये 50 पैसे और उसके ऊपर निकलता है तो 8 रुपये 70 पैसे आप पकड़ करके प्ले कर सकते हो। 8 रुपये 30 पैसे का लेवल टूटा तो 8 रुपये तक गिर सकता है दोस्तों, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आरएसए का लेवल देखें तो 56 के आसपास का है, हालांकि आरएसए का लेवल यहाँ पे स्ट्रोंग दिखाई दे रहा है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जाते जाते मैं आपको कारोबार की डिटेल बताना चाहूँगा। कारोबार की डिटेल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड एनएससी की वेबसाइट पे 8 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग, 5 पैसे ऊपर 0.6% की तेजी। यह पे हाई बनाया 8 रुपये 55 पैसे का, लो 8 रुपये 25 पैसे का। क्वांटिटी की बात करें 8,89,11,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 3,49,82,000 शेयर की डिलीवरी। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग लगभग 40% के आसपास की दिखाई दे रही है, तो डिसेंट कारोबार की सिचुएशन है। यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से भरोसा भी दिया गया है, तो भरोसे पे कैसे खड़े उतरते हैं वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी तरफ से लिंक दी गई है जीरोधा की, अगर आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहते हो तो मेरी दी गई लिंक से आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।